हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बना के दिखाऊंगी परफेक्ट चिकन सीख कबाब और इनको घर पे कितने आसानी से बनाया जा सकता है। इसे किसी भी नॉन स्टिक पैन में बना सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत यम्मी लगते हैं। इनको बनाने में बहुत ही कम ऑयल यूज होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ दो कटे हुए प्याज लिए हैं, उसमें मैंने मिलाया है गार्लिक और दो से तीन हरी मिर्च। सबसे पहले इनको पीस लेंगे मिक्सर में। देखिए इस तरह से दिखेगा, अच्छा पेस्ट बन गया, लेकिन इसमें काफ़ी पानी होता है, तो इसका सारा पानी निकालने के लिए किसी भी कॉटन के कपड़े में इस तरह से पूरा पेस्ट डाल देंगे और जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कबाब बनाने में, क्योंकि थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, वो बंध ही नहीं पाएंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ये पूरा निकाल लेना है। और कबाब बनाने के लिए अगर आपके पास कीमा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से मैंने बोनलेस पीसेस लिए हैं और उनको ऐसे फाइनली चॉप कर लेंगे, तो उससे भी बहुत अच्छा कीमा बन जाता है। या तो फिर आप मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे उनको फाइनली चॉप किया है। कीमा बन के रेडी हो गया है। अब इसमें भी जितनी भी नमी है उसको निकालने के लिए मैंने वही सेम क्लॉथ लिया है। मैं अब सारा चिकन डाल दूंगी, जितना भी इसका जूस निकल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ड्राई रहेगा कबाब उतने अच्छे बनेंगे। तो इसका भी जितना एक्स्ट्रा पानी है जितना भी हमसे निकालते बने उसको निकाल लेंगे। अब एक बड़े बोल में चिकन को निकाल लेंगे और ये वो प्याज लहसुन और मिर्च का पेस्ट है जिसका सारा पानी निकाल लिया था। देखिए इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो गया है, उसको भी इसमें मिला लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसमें सारे मसाले मिलाएंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच चिकन मसाला, दो चम्मच गरम मसाला, दो बड़े चम्मच तंदूरी मसाला, एक चम्मच चाट मसाला, एक छोटा चम्मच ब्लैक पेपर, एक चम्मच रेड चिली पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ में मैंने मिलाया है दो चम्मच घी, इसकी जगह आप तेल भी यूज कर सकते हैं, और एक बड़ा चम्मच लिया है कसूरी। फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, इसकी जगह आप यहाँ पे धनिया भी डाल सकते हैं और सॉल्ट टू टेस्ट। और एंड में मैंने यहाँ लिया है मैदा, इसको पहले से मैंने भूंज के रखा हुआ है, रोस्ट कर लिया था। डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ मैदा डाला है, इससे क्या थोड़ी बहुत भी जो नमी होगी इस पेस्ट में वो भी चली जाएगी। इसको मिला लेंगे और सारे मसाले अच्छी तरह से मिल जाए उसके लिए इसको एक बार मैं मिक्सर में पीस लूंगी। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है, बहुत अच्छी तरह से पिस गया है। और उसको पीसते समय मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, बिल्कुल पानी मत डालिए, बहुत अच्छी तरह से पिस जाएगा। देखिए मैंने निकाल लिया है, मैं इसमें नींबू डालना भूल गई थी, अभी इसमें नींबू मिला लेती हूँ। आप ज़रूर नींबू डालिए, इसका खट्टापन जो होता है बहुत अच्छा लगता है कबाब। नींबू की जगह यहाँ पे अमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई मैंगो पाउडर, वो भी अच्छा लगता है। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्लेट ली है और एक कटोरी में पानी लिया है। हाथों को गीला कर लेंगे तो उससे क्या मसाला जो है वो हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। और यहाँ पे मैंने एक बारबेक्यू स्टिक ली है और उसमें इस तरह से धीरे धीरे दबाते हुए उसको बढ़ाते जाएंगे। देखिए कितने आसानी से ये बन रहा है, अगर ये इसमें थोड़ी सी भी नमी होती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, वो अपनी स्टिक में चिपकता भी नहीं। अभी देखिए कितने अच्छे से बन रहा है, और इस तरह से जो हम फिंगर से ऐसे पुश करते हुए उसको बढ़ाते जाते हैं तो उंगलियों के जो निशान है वो भी इसमें बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से दबाते दबाते उसको फैला लेंगे और एक एक करके बनाते जाएंगे। जब भी मैं कबाब्स बनाती हूँ मैं उसमें मसाले काफ़ी अच्छे से डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कबाब का। कुछ लोग इसमें खड़े मसाले डालते हैं और फिर पीसते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ, नहीं तो क्या उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो मुँह में आते हैं। इस तरह से बारबेक्यू स्टिक में देखिए कबाब बना लिए हैं, अब इनको पकाना है।
मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक ग्रिल पैन लिया है। इसकी जगह आप कोई भी नॉनस्टिक पैन ले सकते हैं और उसमें मैंने 2 से 2.5 चम्मच तेल डाला है। एक एक करके इसमें रख देंगे सारे हमारे जो हैं, जितने भी एक बार में आ जाए उतने आप रखिए। इनको पकने में बहुत ही कम तेल लगता है। जितना तेल अभी लिया है हमने 2 चम्मच, सारे के सारे बन जाएंगे, उसके बाद भी तेल इसमें रह जाएगा। पर मैंने इसलिए डाले हैं ताकि थोड़ा चिपके ना। थोड़ा सा ऑयलिंग कर ली है ऊपर से ताकि उनमें नमी बनी रहे। और 2 मिनट के बाद मैंने इनको एक एक करके ऐसे पलट लिया है। दो दो मिनट के अंतर से उनको ऐसे पलटते जाइए ताकि हर तरफ से वो सिक जाए, कि साइड चेंज करते जाएंगे। सात से आठ मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से पक गए हैं, तो उनको निकाल लेते हैं। देखिए कितने आसानी से घर पे बिल्कुल परफेक्ट सीख कबाब हमने बना लिए हैं। चिकन सीख कबाब बन के रेडी हो गए हैं। इनको गरम गरम बनाइए और सर्व कीजिए। देखिए कितने आसानी से स्टिक से भी निकल गए हैं। बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत यमी लगते हैं। इनमें बस थोड़ा सा लेमन जूस डालिए यदि आपको पसंद हो। मुझे तो बहुत पसंद आता है कबाब में। और इसको एकदम स्पाइसी चटनी के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।